गरीब की बारिश। शहर की कच्ची बस्ती में एक गरीब मजदूर कालू रहा करता था। कालू के घर में उसकी पत्नी जानकी थी। जानकी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके कुछ पैसे कमा लेती थी, और वहीं कालू किसी तरह मेहनत मजदूरी करके दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेता था। कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण कालू की मजदूरी बंद हो गई थी। अरे जानकी, इस बार तो बरसात ने हद ही कर दी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर इसी तरह काम पर नहीं गया तो दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसे होगा। अरे तुम चिंता क्यों करते हो, बारिश का क्या है, एक आध दिन में रुक जाएगी और उसके बाद में फिर से काम शुरू हो जाएगा। अरे 3 दिन तो हो गए, बरसात तो रुक ही नहीं रही है और आगे भी रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे। तो क्या हुआ, तुम्हारा काम बंद हुआ है ना? मैं तो अभी भी लोगों के घर झाड़ू पोछा करने जाती ही हूँ, मेरे पगार से कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे। अरे घर का खर्चा तो हम किसी तरह चला लेंगे जानकी, लेकिन ये जो छत टपक रही है इसका क्या करेंगे? ये बात तो आपकी सही है, हमारी झोपड़ी अब काफी पुरानी हो चुकी है और इसके छप्पर में भी कई सारे छेद हो गए हैं, रात भर पानी टपकता रहता है। अरे मैं भी इसी बात से बहुत परेशान रहता हूँ, कहीं किसी दिन ज्यादा बारिश आ गई तो हमारी झोपड़ी टूटकर बिखर ना जाए। राम राम राम, ऐसी अशुभ बातें क्यों करते हो, अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये झोपड़ी ही तो हमारा सब कुछ है, अगर यही नहीं रही तो हम जाएंगे कहाँ। ठीक है जानकी, जब तुम्हारी पगार मिल जाएगी तो कुछ पैसे बचाकर झोपड़ी के छप्पर की मरम्मत करवा लेंगे, शायद हमारी परेशानी कुछ कम हो जाए। ठीक है जी, अब ना ज्यादा परेशान मत हो, ये लो खाना खा लो और सो जाओ, सुबह मुझे भी जल्दी काम पर जाना है। जानकी और कालू अपनी झोपड़ी में सो गए। रात को अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश का पानी कालू की बस्ती में भरने लगा। पानी भरते भरते झोपड़ी के बाहर तक पहुंच गया था। सुबह के वक्त जब कालू और जानकी सोकर उठे, हे भगवान, ये क्या हो गया, बारिश का पानी तो हमारे घरों तक पहुंच चुका है, अब मैं काम पर कैसे जाऊंगी। रहने दो जानकी, तुम आज काम पर मत जाओ, ऐसे पानी से निकल कर जाओगी और बीमार पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं गई तो मालकिन लोग नाराज हो जाएंगे, आप जानते हैं ना, बड़ी मुश्किल से एक दिन की छुट्टी भी नहीं देती है। अरे लेकिन जान की झोपड़ी के बाहर तो पूरी बस्ती में पानी भरा है, तुम जाओगी कैसे। जान की जैसे तैसे करके काम पर चली जाती है, लेकिन अगले दिन फिर से बहुत ज्यादा बारिश होती है और बस्ती में ज्यादा पानी भर जाता है। आज तो मैं तुम्हें किसी भी तरह काम पर नहीं जाने दूंगा, अरे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तुम ठीक ही कहते हो, आज नहीं जाती, अगर मालकिन नाराज हो गई तो मना लूंगी किसी तरह। अरे मनाने वाली क्या बात है, जब तुम बताओगी कि हमारी झोपड़ी में पानी भर गया है तो वो खुद ही समझ जाएंगे ना। अगले 2 दिन तक तेज बारिश होने की वजह से जानकी, कालू और आसपास की बस्ती में रहने वाले सभी लोगों के घरों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से जानकी काम पर नहीं जा पाती। और 3 दिन के बाद जैसे ही जानकी काम पर पहुंचती है, कहाँ थी तुम पिछले 3 दिनों से, काम पर क्यों नहीं आई। मैम साहब क्या बताऊं, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी, हमारी पूरी बस्ती में पानी भर गया है और उससे भी ज्यादा तो मेरी झोपड़ी के अंदर पानी भर गया, आप ही बताइए कैसे आती मैं। इसका मतलब ये हुआ कि बारिश होगी तो तुम काम पर नहीं आओगी। ना ना, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था मैम साहब, तुम जानती भी हो 3 दिन से कितनी परेशानी हो रही है मुझे, सारा काम मुझे खुद करना पड़ा। माफ कर दीजिए मालकिन जी, पर मैं क्या करती, आने के लिए रास्ता ही नहीं था, सब जगह पानी भरा हुआ था। बहाने तो तुझे बहुत बनाने आते हैं जानकी, देख अगर अगली बार ऐसा किया ना तो फिर काम से हमेशा के लिए छुट्टी। अरे ना ना मालकिन, ऐसा मत कीजिए, बारिश की वजह से मेरे पति की मजदूरी भी छूट गई है, बड़ी मुश्किल से घर में 2 वक्त खाने की रोटी का जुगाड़ हो पाता है, आप मुझे काम से निकाल देंगे तो हम क्या खाएंगे। अगर इतनी ही चिंता है तो फिर रोजाना काम पर आया करो, चलो अब जल्दी से जाकर घर का सारा काम करो। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी,
पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। लेकिन नौकरी जाने के डर से जानकी किसी तरह रोज काम पर जाती थी। एक दिन जब जानकी काम करके अपने घर लौट आई तो अचानक उसकी बस्ती में कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया। अरे लगता है बाहर कुछ हुआ है, मैं जाकर देखता हूँ। हाँ हाँ पता तो कीजिए, ये बस्ती में लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं? बाहर जाकर कालू ने एक आदमी से पूछा। अरे क्या हुआ भाई, इतना शोर क्यों मचा रहा है? अरे क्या बताए भैया, अपने बस्ती के बाहर एक पुल टूट गया है और वहाँ पर एक कार फंसी है। थोड़ी देर में अगर किसी ने नहीं बचाया ना तो वो कार पानी में बह जाएगी। ये क्या कह रहे हो भैया, कार के अंदर कोई है क्या? हाँ कोई औरत बैठी है अकेली है, बहुत रो रही है बेचारी, मदद के लिए बुला रही है। अरे तो हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए ना। अरे लेकिन इसमें बहुत खतरा है, हमें अपने आप को बचाना चाहिए, पानी कभी भी हमारी बस्ती की तरफ आ सकता है। अरे तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, लेकिन मैं तो जाकर उस औरत की मदद जरूर करूंगा। कालू उस जगह पर पहुंचता है जहां वो औरत कार में फंसी हुई थी। वहां पर पानी का बहाव बहुत तेज था और सारा पानी कालू की बस्ती की तरफ ही आ रहा था। कालू ने एक बड़ी सी रस्सी को पेड़ से बांध दिया और दूसरे सिरे को कार की तरफ फेंक दिया और उस औरत को रस्सी के सहारे बाहर आने के लिए कहा। तभी वहां जानकी भी दौड़ती हुई आई। अरे ये तो मेरी मालकिन है जिनके यहाँ मैं काम करने जाती हूँ। अरे मैडम जी आप डरिएगा मत, आपको कुछ नहीं होगा, आपकी गाड़ी को भी मैंने रस्सी से बांध दिया है, थोड़ी देर में पानी का बहाव कम हो जाएगा फिर हम आपकी कार को भी बाहर निकाल लेंगे। क्या तुम जानकी के पति हो? हाँ हाँ जानकी मेरी ही पत्नी है, आपके यहाँ काम करती है ना। लेकिन मेम साहब आप यहाँ पानी में कैसे फंस गई? अब क्या बताऊँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर गई थी, वहीं से लौट रही थी, अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और मेरी गाड़ी फंस गई। अरे कोई बात नहीं मालकिन, अब ना आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। मैं तो बहुत बुरी तरह डर गई थी, कब से मदद के लिए चिल्ला रही थी लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। भला हो तुम्हारा पति का जिसने मेरी जान बचा ली। लेकिन जानकी मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, इतने खराब मौसम और बाढ़ में भी तुम्हें काम पर आने के लिए कहा, नौकरी से निकालने की धमकी भी दी और तुमने मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं मालकिन, आपकी जान बचाना तो हमारा धर्म था। देखो जानकी तुम्हारी झोपड़ी में जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी, आज तुम्हारे पति ने मेरी जान बचाई है और आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी नौकरी से निकालने की धमकी नहीं दूंगी। आज मैं तुम्हारी परेशानी को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ, हम जैसे पैसे वाले लोगों के लिए अपने घर में बैठकर बारिश का मजा लेना बहुत आसान है, लेकिन तुम गरीब लोगों के लिए बाढ़ और बारिश काफी परेशानी खड़ी कर देते हैं, ये बात मुझे आज अच्छी तरह समझ आ गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन।